गुड मॉर्निंग मॉडर्न चैम्पियन, टुडे आई विल टीच यू इंग्लिश ग्रामर। स्टूडेंट टेक योर इंग्लिश ग्रामर बुक। देखिए ये आपकी इंग्लिश ग्रामर बुक है और हमारा सेकेंड चैप्टर फॉर्मिंग वर्ड था, उसी का हमारा ये पेज नंबर है 16। ओपन योर पेज नंबर 16। स्टूडेंट्स ये हमारी है एक्टिविटी। ओके स्टूडेंट्स देखिए क्या लिखा है, लुक एट द पिक्चर्स देन अरेंज द हाईलाइटेड लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड। ये जो हाईलाइटेड है, जैसे यहाँ पर क्या बना है, पिक्चर्स तो देख के आप पहचान ही जाएंगे, यहाँ पे कैमरा बना है तो हमें इसको क्या करना है, रीअरेंज करना है। कैमरा की स्पेलिंग क्या होती है जब आपको पता होगा तभी हम लिखेंगे। तो जैसे कैमरा की स्पेलिंग की बात करें तो मैं यहाँ लिख के दिखा दे रही हूँ, यहाँ पर सी ए एम ई आर ए। देखिए मैंने बहुत बड़ा बड़ा लिख दिया है, आपको पेंसिल से अच्छे से अरेंज करके लिखना है। ओके स्टूडेंट्स ऐसे ही हमारा क्या है, इट इज़ अ बनाना, तो ये तो बनाना का पिक्चर है तो हम यहाँ पे रीअरेंज करके लिखेंगे बनाना। बनाना की स्पेलिंग जब आपको लर्न होगी तभी आप लिख पाएंगे। सी हमारा क्या है, शर्ट। शर्ट अगर स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही तो आप पिक्चर देख लीजिए, पिक्चर से आपको पता चल जाएगा। ऐसे एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन की पिक्चर है ये, और यहाँ पे एरोप्लेन की स्पेलिंग जो है हमें करेक्ट करके रीअरेंज करके लिखनी है। ये वॉच है, वॉच को रीअरेंज करेंगे। एंड कोट है, कोट ये बना है पिक्चर कोट का तो हम यहाँ रीअरेंज करके लिखेंगे। एंड फ्रॉग है, फ्रॉग की स्पेलिंग रीअरेंज करेंगे। एंड ये केक है, केक की यहाँ पर लिखेंगे। एंड ये क्या है, ड्रम, ड्रम की स्पेलिंग यहाँ करेक्ट करेंगे रीअरेंज करके। एंड लास्ट डक, डक यहाँ पे करेंगे। डैट इज़ योर होमवर्क। ओके स्टूडेंट्स आप इसे फिल करके रीअरेंज करके मुझे अपनी पिक सेंड करेंगे। आज सैटरडे है, सैटरडे को आपका ग्रामर का टर्न होता है। ओके स्टूडेंट थैंक यू।